तो आज सुबह हम आ चुके हैं पीछे पार्क में। एक बहुत ही बड़ा पार्क, बड़ा मैदान है ये, और मैं सत्यम आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के टाइम में आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने आज मेहनत किया, हमारी टीम ने मेहनत किया और आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। आज हम देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे एक व्यक्तिगत रूप से यूपीएससी स्टूडेंट प्रतिभागी, और अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानने वाले। हम सवाल करेंगे, आपके ही सवाल होंगे और उनका काफ़ी हद तक जवाब देंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। तो हम चलते हैं उनके पास। तो बहुत कुछ होगा इस बीच, तो आप लोग हर समाधान का सॉल्यूशन निकल पाएगा इससे, ये मैं आशा करता हूँ, और आपको हर चीज़ का जवाब पूरी अच्छी तरह मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अवधेश जी का। नमस्कार अवधेश जी। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के समय आना कितना अच्छा होता है पार्क में, वो आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, और सुबह सुबह जो मौसम होता है बहुत सुहाना मौसम होता है, और धूप की जो एकदम लालिमा होती है वो अपने शिखर पर उस टाइम होती है, और जो इन्वायरमेंट होता है सुबह का वो पूरे दिन के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है, क्लीन होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और कोरोना के काल में तो सुबह सुबह और घूमना चाहिए, लेकिन डिस्टेंसिंग बनाते हुए, भीड़ में नहीं घूमना चाहिए। और सुबह सुबह जो इन्वायरमेंट है गांव का, और गांव का जो इन्वायरमेंट है वो शहर के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है, और वातावरण से मिलजुल के रहना भी एक अच्छे साथी के रूप में हमारा साथ निभाता है। और इस वैश्विक संकट के घड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ ग्राउंड में कोई नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी आम आदमी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ ग्राउंड पे आए। और अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ अब मुद्दे पे जाएंगे। ऐसे तो बहुत से चाय पे चर्चा होते हैं, हम अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे कि सुबह अगर हम अपने बजट को अच्छी तरह बनाना चाहते हैं तो देश की बजट को देखना बहुत ही ज़रूरी है, कि देश का बजट कितना गिरा है, कितना ऊपर गया है, ये सब देखना ज़रूरी रहता। तो पहला क्वेश्चन अवधेश जी आपसे, कि जनता की जो भूमिका है अर्थव्यवस्था में वो कितनी अहम भूमिका निभाती है जनता? देखिए, जनता जो है सबसे मुख्यतः जनता जो है लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लोकतंत्र के निर्माण में ही जनता की अहम भूमिका होती है, और देश को निर्माण होता है, देश बनता है जो है जनता से ही बनता है, ना कि देश अपने आप बन जाता है। तो जनता की किसी चीज़ में जो होती है भूमिका बहुत ही अहम होती है, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम अगर अर्थव्यवस्था पर देखें तो एक परिवार से लेके बड़ा उद्योगपति सबकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अर्थव्यवस्था में। आम आदमी की यहाँ क्या भूमिका हो जाती है? अब हम सीधा आते हैं टैक्स सिस्टम के ऊपर। हाँ, अगर हम कर व्यवस्था अपना देखते हैं तो प्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष में GST लागू हो गया है 17 से, जो आप जानते हैं। तो जो प्रत्यक्ष कर है उसमें हर पर्सन जिसका इनकम होता है 5 लाख अबव, वो हर इंसान टैक्स भरता है। अगर फिर इसमें ये आता है कि बात चलिए ठीक है, जब इसका सैलरी 5 लाख पर एनम है, वो उसका प्लस सैलरी मतलब वो फॉर्म वो इनकम टैक्स भरता है, जिसका सैलरी 5 लाख से कम है वो तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका क्या भूमिका है? तो आप GST लगाते हैं इनका मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो GST जिस वस्तु पर लगता है, देखिए अब जो पार्ले जी बिस्किट है या कुछ भी है, कोई भी आइटम है, उसको सब खरीदते हैं, अमीर भी खरीदता है, गरीब भी खरीदता है। अब पार्ले जी बिस्किट जो बना है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, उसके ऊपर भी GST लगता है, भले वो GST 5% हो, 12% हो, या कितना परसेंट भी हो, GST लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जमीनी स्तर का इंसान और जो उद्योगपति है, बहुत बड़ा मतलब कि जाना माने हस्ती है, वो भी पैसे भरते हैं, और टैक्स भरने के कारण से चाहे वो जमीनी स्तर का व्यक्ति हो या व्यक्ति उच्च स्तर का हो, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने में जो मजदूर वर्ग हैं, जो मध्यम वर्ग है, वो सबसे
मेरे विचार के अनुसार सबसे एक मुख्य स्तंभ है वो, और उसके स्ट्रेंथन होने से जब तक मिडिल क्लास हमारा लोअर क्लास स्ट्रेंथन नहीं होगा, अकेला जो अपर क्लास है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उद्योगपति जो है उद्योग का निर्माण तो करते हैं वो, लेकिन उद्योग को चलाने वाले कौन है, हम जैसे लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो लोअर क्लास लोअर लोग हैं, वो उनका बहुत अहम भूमिका होता है उद्योग चलाने के लिए। तो इसमें सिर्फ आम जनता को ही सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं होगा, हम लोगों की भी भूमिका है इसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने जो में। जो टैक्स इवेजन जो है कॉन्सेप्ट है, कर अवंचना कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स भरते ही नहीं है, हम लोग अपने संपत्ति को अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए जो है टैक्स नहीं भरते हैं। अब जो अपर क्लास है, आप कितने बार सुनते होंगे कि किसी घर में रेट में इतने पैसे मिले हैं, इतने पैसे मिलने का कारण क्या है, उन्होंने टैक्स को अपने पास कंसंट्रेट कर लिया है, उनका इकट्ठा टैक्स को कर लिया है। और जहाँ वेल्थ को इकट्ठा करेंगे, टैक्स हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और जब गवर्नमेंट पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट कोई काम कर नहीं सकती है। और अलग से गवर्नमेंट अगर पैसा खुद निकालती है, यानी कि वो RBI के माध्यम से घाटे वित्त व्यवस्था के माध्यम से अगर वो पैसा छापने के लिए कहती है RBI को, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ही इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और महंगाई जैसे जो चीज़ें होती हैं वो हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकती हैं। तो जो अब टैक्स की जो भूमिका होती है वो भी अहम होगी अर्थव्यवस्था को, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करें, ऐसा हम लोग का करदाता बने और देश का भला करें। करदाता बन के आप देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, जिससे एक अहम भूमिका नहीं, राष्ट्रवाद का आजकल बहुत ज़्यादा लहर चली है, जो राष्ट्रवाद का मुख्यतः अर्थ यही है कि हम ऐसे कार्य करें इससे देश की प्रगति हो, ऐसे कार्य ना करें कि किसी देश की क्षति हो। तो करदाता बनिए, कर भरिए, अपना इनकम टैक्स भरिए, GST रिटर्न फाइल कीजिए। जब लोअर से लेकर अपर जो है वर्ग है, सब लोग अपनी भूमिका जान जाएंगे, हमें ये करना है, तो कभी भी देश में कोई संकट नहीं आएगा, देश के ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं पड़ेगी। इसलिए जो एक आम जनता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र के निर्माण में। दूसरा सवाल मेरा ये है अवधेश जी कि GDP जो इतनी गिरावट में चली गई है देश की, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और इसको हम इससे हम कैसे उबर सकते हैं, हमारा देश इससे कैसे उबर सकता है, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, जो GDP के गिरने, जो किसी भी कंट्री GDP जो गिरता है वो एकाएक नहीं गिरता है, आकस्मिक नहीं होता है। ये GDP गिरने की जो घटना होती है वो इसका ये कि उसका बैकग्राउंड बहुत पहले बन चुका होता है। अब आप देखिए, इंडिया में GST लागू हुआ था, इंडिया में विमुद्रीकरण हुआ था पैसों का, 500 के नोट और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। तो जो ये सिस्टम जो है ना, मतलब जो डाउनफॉल होने के GDP के वो एक कारण नहीं है। अब जो आजकल के जो क्या का रिपोर्ट आया, आप देखिए, 2 दिन पहले क्या रिपोर्ट आया था GST के ऊपर, ऐसे कि GST का जो कंपनसेशन एक्ट है, यानी कि स्टेट को अगर क्षति होती है GST में तो उसकी भरपाई जो है गवर्नमेंट करेगी। जब लाया गया था ये GST तो उस समय आम सहमति नहीं थी राज्य के बीच में, तो सेंटर ने कहा था कि हम GST कंपनसेशन एक्ट लाएंगे, यानी कि जिन राज्यों को क्षति होगी GST में, कमी होगी, उनकी भरपाई हम शुरुआत 5 साल में सेंटर करेगी। 2017 में GST आया था और 2022 तक ये रखा गया था कि 2022 तक क्षति जो होगी उसकी भरपाई हम करेंगे। लेकिन अभी कोरोना काल में स्थिति ये है भारत की कि GST का जो कमी स्टेट खो रहा है उसके कंपनसेशन में स्टेट, मतलब जो राष्ट्र है, केंद्र सरकार है, फंड दे ही नहीं रही है, वो फंड का कहीं और मिसयूज, फंड का कहीं और यूज़ कर रहे हैं। ये क्या अपनी रिपोर्ट में खुद कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो GST में जो पैसे हैं कंपनसेशन के रूप में उसका यूज़ कहीं और कर रही है। तो जब जिस चीज़, देखिए आप, चीज़ एक बहुत अहम है, अगर आपने बैंक से लोन लिया पढ़ाई के लिए, अगर आप उसको पढ़ाई पर यूज़ ना करके क्यों खर्च करेंगे तो ये गलत बात होगा, क्योंकि आपने लोन लिया है, स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरशिप के मतलब और अमीर अमीर भी जो हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, 5-5 योजनाओं को एक अकेला उठाने वाला, बिल्कुल, सिर्फ अमीर होता है ना, गरीब का हक छीना जाता है, इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे मुख्यतः जैसे देखिए आप, ये विमुद्रीकरण है, उसका भी जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सरकार कहती है हम काले धन लाएंगे, गवर्नमेंट का अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं आया है कि उसमें वो ये सत्यापित कर सके कि हाँ इतना % हम ब्लैक मनी इंडिया लाए हैं। कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, ऑफिशियल कोई डाटा अभी तक रिलीज नहीं किया सरकार ने इसमें। गवर्नमेंट ये बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में बोले वित्त मंत्री आके कि हमने विमुद्रीकरण के माध्यम से हमने इतने रुपये बाहर से यहाँ लाए हैं। कोई खाली स्विस बैंक खाते में उन्होंने अपना
लिंक कर लिया है, लिंक करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लिंक करने से महत्वपूर्ण होता है उस चीज़ को सफलता के द्वार पर लाना। उसके बाद देखिए, अब कोरोना काल आ गया है तो GST और GDP इतना नीचे गिर चुका है, आप जानते हैं -23% नीचे गिर चुका है। ये हमारे देश की एक अहम कड़ी होती है GDP। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भारत को आप GDP में टॉप 5 में देखते हैं। देखिए आप, अगर हम इंडिया को देखें PPP में, यानी क्रय शक्ति क्षमता में देखें, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी में देखते हैं, तो इंडिया थर्ड रैंक पे ओवरऑल वर्ल्ड में। और अगर हम GDP के देखें, अगर हम GDP या मार्केट प्राइस की में देखिए, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है इंडिया का, वो 5वीं रैंक पर है अपनी जो है, जिससे अभी विश्व की जिससे अभी वर्ल्ड बैंक ने 7th पे पहुंचा दिया है। क्योंकि अभी जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी सरकार की, उसको हानि बहुत हुई है। अभी वो 7th पहुंच गई है, लेकिन ऑफिशियल डाटा अभी 5th शो करता है। लेकिन अभी करंट का हम देखते हैं न्यूज़ में, पता चलता है हमें कि वर्ल्ड बैंक ने इसे 7th रैंक पर पहुँचा दिया है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो कंट्री GDP में क्रय शक्ति क्षमता में 5-3 रैंक पर है, GDP में 5वें रैंक पर है, वहाँ की जनता हंगर इंडेक्स में 102 रैंक पर क्यों है? जवाब मरी में आप, हाँ, 102 रैंक है, 102 रैंक पूरे विश्व, पहले पिछले ईयर 98 रैंक था, 98 रैंक। ये बात नोट करने वाली है कि कितनी बड़ी हमारी दुर्दशा है देश की, जो 102वीं रैंक पे हमारा देश पहुंच चुका है भूखमरी में। समझ सकते हैं कितना हक लूटा गया है अमीरों के द्वारा गरीबों का, क्योंकि अमीरों के पास खाने के लिए वो 10 साल 20 साल एक जनरेशन खा सकते हैं, लेकिन गरीब रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऊपर से पिछले 98 रैंक था, अभी 102 रैंक हो गया, यानी कि 4 रैंक और इंडिया नीचे गिर चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का तो मैं लेखनेस मानूंगा कि क्योंकि सरकार की जो इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लाती है, स्कीम लाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है वो भी दिखाए ना सरकार लोगों को, जो है आम लोगों को, कि ना केवल खाली अच्छी बातें गिना जाती है, बेफालतू बातें गिनाई जाती है, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है उन बातों को ऊपर रखा जाता है। ऐसे तो योजनाएं अब आ रही हैं, मतलब चुनाव को देखते हुए, लेकिन जो वादा किया गया, क्या वो पूरा होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक? आप देखिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चल रही हो, आप वहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कैसे देख सकते हैं? और वो भी वैश्विक महामारी से पहले हुआ था, पहले ये अभी जारी किया गया था, तो सरकार ने कहा था हम इकोनॉमी पहुँचाएंगे 2022 तक, लेकिन ये असंभव है, ये नहीं लगता है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे मुख्यतः इनकम जनरेशन के लिए चाहिए रोजगार। अब रोजगार का क्या स्थिति है आप लोग उससे वाकिफ़ हैं, हर कोई जानता है कि इंडिया में भी क्या हम रोजगार बेरोजगार को रोजगार देके एक मतलब इकोनॉमी को हटा सकते हैं, मतलब इकोनॉमी को हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह ग्रो करवा सकते हैं, इंडिया को एक नए पोजीशन पे ले जा सकते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि देश निर्भर होता है इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे। अब सवाल ये है, अब हम अगर बेरोजगारी हटाने के लिए हम रोजगार देने की बात करते हैं, तो सबसे अधिक रोजगार निकलता है आपका, अगर देखा जाए ऑफिशियल रिकॉर्ड में, तो कृषि क्षेत्र आपको रोजगार देता है। इंडिया की 49% आबादी जो है उसको कृषि रोजगार देता है, जबकि उसकी मात्र जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में GDP में देखें तो 14% मात्र है। yes. सोचिए 14%, इतना बड़ी जनसंख्या कृषि के ऊपर है, इतनी कम GDP में इनका कंट्रीब्यूशन आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी उत्पादकता की जो लागत है ना, वो प्रॉपर लागत नहीं मिल रही है किसानों को जो है, और लागत ना मिलने के कारण ऊपर से इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत मतलब चलन है, तो बेमौसम बरसात या टाइम पर बरसात ना होना, सूखा शीतलहर गर्मी अधिक होनी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये और फसल की जो उत्पादकता है उसको ख़राब कर देती है। धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अवधेश जी को हमने धन्यवाद कह चुके हैं और आपको भी हम धन्यवाद कह चुके हैं, और पूरे देश की जनता हमारे साथ जुड़े ऐसा हम कामना करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो था, जो भी त्रुटियां हुई होगी उसके लिए हमें क्षमा करें, अगले ही ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और हम अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल दिया जाएगा शूट होने के बाद, और आप हर प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे जाके, हमारे प्रोफाइल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके
तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।